क्रिसमस पर्व के अवसर पर गिरजाघरों में की गई प्रार्थनाएं। जी हां, अयोध्या में क्रिसमस पर्व के अवसर पर गिरजाघरों में प्रार्थना सभा आयोजित की गई और मोमबत्तियां जलाकर विश्व शांति और प्रेम के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना की गई। सीएनआई चर्च सिविल लाइन और सेंट मैरी चर्च में आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में आदर्श संतोष ने बाइबल के प्रसंगों का जिक्र करते हुए प्रभु यीशु से आपसी प्रेम सद्भाव के लिए प्रार्थना किया। क्रिसमस के अवसर पर अरविंद हाबिल ने बताया कि आज विश्व शांति के लिए गिरजाघर में मोमबत्तियां जलाई गई और मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, इससे सभी को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, यही हमारा संदेश पूरे विश्व को है। फादर संतोष ने कहा कि प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर जन्म लेकर मानव को धन्य किया है और मानव जाति के मध्य में रहकर उनकी सेवा की और आपसी प्रेम करना सिखाया। यही कारण है कि प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर विभिन्न धर्मों के लोग गिरजाघर आते हैं और श्रद्धा पूर्वक प्रभु यीशु की प्रार्थना की जाती है। चर्च में ईसाई समुदाय ने मसीही गीत और कैरल सॉन्ग का संवेद स्वर में गायन किया। अंत में उपस्थित लोगों ने जन्मोत्सव के वितरण कर बड़े दिन की शुभकामनाएं भी दी। लोग एक दूसरे से गले में और क्रिसमस की बधाई दिया। वही सच में सेंटा क्लॉस ने बच्चों को गिफ्ट और टॉफी भी बांटी।